छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिला प्रशासन और नगर निगम दुर्ग ने मिलकर बच्चों के ठहरने, खाने और अलाव की व्यवस्था का जिम्मा लिया था। एक दो दिन तो व्यवस्था ठीक रही, लेकिन उसके बाद बच्चों को सोने तक के लिए जगह नहीं मिली। हजारों की संख्या में पहुंचे युवा खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। दुर्ग जिला मुख्यालय में हर दिन 10,000 से अधिक बच्चे फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां आर्मी की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से 60,000 से अधिक बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हर दिन अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया गया। इस दौरान उन्हें रहने, खाने पीने, अलाव, नहाने धोने की व्यवस्था कलेक्टर दुर्ग पुष्पेंद्र मीणा के कंधों पर थी। कलेक्टर और SP ने यहां निरीक्षण कर हर एक काम की जिम्मेदारी अलग अलग विभाग को दी थी। दो दिन व्यवस्था देखने के बाद विभागीय अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया। नगर निगम दुर्ग के अधिकारी तो वहां झांकना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के रुकने के लिए बड़ा टेंट लगाया गया। इसमें जगह कम पड़ने से सैकड़ों की संख्या में बच्चे खुले आसमान में और पेड़ के नीचे सोने को मजबूर हैं। दुर्ग जिले में इस समय ठंड काफी पड़ रही है। ठंड में युवाओं को खुले आसमान के नीचे रात जाकर गुजारनी पड़ रही है। इस बारे में दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली का कहना है कि यह व्यवस्था करना अपर कलेक्टर दुर्ग का काम था।